एक बार गई थी बोलिंग गांव में, वहां कुछ कार्यक्रम रखे थे। हम शाम को पहुंचे, दूसरे दिन पहले कार्यक्रम के लिए हायर सेकेंडरी में गई तो वहां के सारे बच्चे 11 12th के हाथ में वो बड़े बड़े दाव, दाव यानी सुरा, लंबे क्या कहते हैं, छुराई कहते हैं ना, वो लेकर आ रहे हैं नाइफ, बड़े बड़े इतने तो, लेकिन सारे साइलेंट है। और प्रिंसिपल ने कहा हमारे गांव के दो घर जल गए इसीलिए आज कार्यक्रम नहीं होगा। बाद में 11 बजे विलेज एल्डर्स के साथ मीटिंग थी, वो भी हमें संदेश आ गया कि आज गांव में दो घर जल गए, आज कार्यक्रम नहीं होगा। 3 बजे मातृ सम्मेलन था, फिर से मैसेज आया कि आज घर गांव में दो घर जल गए इसलिए आज मातृ सम्मेलन नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन क्या हो रहा है गांव में ये तो बताइए। तो बोले अरे दीदी आपको पता नहीं। फिर उन्होंने बताया ये बच्चे जो गए ना वो जंगल में बांबू काटने के लिए गए, और गांव के बड़े लोग जो थे वो जो दो घर जल गए वहां गए, सारा साफ किया, तब तक बांबू आने लगे, फिर बांबू काटते हुए, बांबू ही कहते हैं ना हिंदी में, फिर उसको लगाते हुए वो बांस, फिर वो बांस के घर बनाने लग गए। मैंने कहा अच्छा फिर महिलाओं ने क्या किया? तो बोले नहीं अभी महिलाएं फिर सब बैठेगी और वो तय करेगी कि मेरे घर से मैं क्या क्या दे सकती हूँ, क्या बर्तन दे सकती हूँ, क्या फर्नीचर दे सकती हूँ, क्या सामान दे सकती हूँ। कल्पना कीजिए विद इन 24 आवर्स वेल फर्निश्ड घर दोनों परिवार को मिला। ये है जीवंत समाज, ये है धर्म पर आधारित समाज, ये है आत्मीयता पर आधारित समाज। ये हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, हमारा घर जल गया, कलेक्टर को बोल रहे हैं थोड़ा कुछ कीजिए, और वो चलता रहेगा तब तक ये परिवार कहाँ रहेंगे। ऐसा जीवंत समाज, ऐसा और ये तब समझता है, यानी जो संगच्छध्वम संवदध्वम वगैरह वगैरह जो वेद मंत्र में गाती थी अरुणाचल में, जब ऐसे उदाहरण देखे बहुत है, समय नहीं इसलिए मैं ज्यादा बताऊंगी नहीं, ये सब देखा तब मेरे ध्यान में आया कि आत्मीयता पर आधारित धर्म इस विश्व को यदि देना है तो ये बोलकर हम नहीं दे सकते, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मिलेगा तभी लोगों को समझेगा आत्मीयता पर आधारित परिवार क्या होता है, आत्मीयता पर आधारित गांव कैसा होता है, आत्मीयता पर आधारित शिक्षा संस्था कैसी होती है। ऐसे उदाहरण हमें खड़े करने, यानी पूरे मानव का कल्याण यदि करना है तो ये हिंदू धर्म, ये मानव धर्म पूरे मानव समाज में जाना ही। मैं एक बार गई थी बोलेंग गांव में, वहां कुछ कार्यक्रम रखे थे, हम शाम को पहुंचे, दूसरे दिन पहले कार्यक्रम के लिए हायर सेकेंडरी में गई तो वहां के सारे बच्चे 11 12th के हाथ में वो बड़े बड़े दाव, दाव यानी सुरा, लंबे क्या कहते हैं, छुराई कहते हैं ना, वो लेकर आ रहे हैं नाइफ, बड़े बड़े इतने तो, लेकिन सारे साइलेंट है। और प्रिंसिपल ने कहा हमारे गांव के दो घर जल गए इसीलिए आज कार्यक्रम नहीं होगा। बाद में 11 बजे विलेज एल्डर्स के साथ मीटिंग थी, वो भी हमें संदेश आ गया कि आज गांव में दो घर जल गए, आज कार्यक्रम नहीं होगा। 3 बजे मातृ सम्मेलन था, फिर से मैसेज आया कि आज गांव में दो घर जल गए इसलिए आज मातृ सम्मेलन नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन क्या हो रहा है गांव में ये तो बताइए। तो बोले अरे दीदी आपको पता नहीं। फिर उन्होंने बताया ये बच्चे जो गए ना वो जंगल में बांबू काटने के लिए गए, और गांव के बड़े लोग जो थे वो जो दो घर जल गए वहां गए, सारा साफ किया, तब तक बांबू आने लगे, फिर बांबू काटते हुए, बांबू ही कहते हैं ना हिंदी में, फिर उसको लगाते हुए वो बांस, फिर वो बांस के घर बनाने लग गए। मैंने कहा अच्छा फिर महिलाओं ने क्या किया? तो बोले नहीं अभी महिलाएं फिर सब बैठेगी और वो तय करेगी कि मेरे घर से मैं क्या क्या दे सकती हूँ, क्या बर्तन दे सकती हूँ, क्या फर्नीचर दे सकती हूँ, क्या सामान दे सकती हूँ। कल्पना कीजिए विद इन 24 आवर्स वेल फर्निश्ड घर दोनों परिवार को मिला। ये है जीवंत समाज, ये है धर्म पर आधारित समाज, ये है आत्मीयता पर आधारित समाज। ये हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, हमारा घर जल गया, कलेक्टर को बोल रहे हैं थोड़ा कुछ कीजिए, और वो चलता रहेगा तब तक ये परिवार कहाँ रहेंगे। ऐसा जीवंत समाज,
ऐसा और ये तब समझता है, यानी जो संगत छद्वम संवद अध्वम वगैरह वगैरह जो वेद मंत्र मैं गाती थी अरुणाचल में, जब ऐसे उदाहरण देखे बहुत है, समय नहीं इसलिए मैं ज्यादा बताऊंगी नहीं, ये सब देखा तब मेरे ध्यान में आया कि आत्मीयता पर आधारित धर्म इस विश्व को यदि देना है तो ये बोलकर हम नहीं दे सकते, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मिलेगा तभी लोगों को समझेगा आत्मीयता पर आधारित परिवार क्या होता है, आत्मीयता पर आधारित गांव कैसा होता है, आत्मीयता पर आधारित शिक्षा संस्था कैसी होती है। ऐसे उदाहरण हमें खड़े करने हैं, यानी पूरे मानव का कल्याण यदि करना है तो ये हिंदू धर्म, ये मानव धर्म पूरे मानव समाज में जाना ही है।